अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है तलावत कुरान मजीद। रिज़्क में बरकत के असबाब में से एक बड़ा सबब है कुरान मजीद की तलावत करना, क्योंकि अल्लाह ताला की ये किताब बाबरकत है। लिहाजा जो भी इसे पढ़ेगा, इसकी तलावत करेगा, उसे इसकी बरकत नसीब होगी, उसके अहलो अयाल में बरकत आएगी, उसके रिज़क में बरकत आएगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, वहाज़ा किताबुन अन्ज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिउहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। और ये किताब जो हमने नाजल की बड़ी बाबरकत है, बस तुम इसकी पैरवी करो और अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, ये किताब बाबरकत है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल किया है कि वो उसकी आयतों में गौर व फिक्र करें और अक्लमंदों के लिए नसीहत है। आज हमारी हालत ये है कि हम अपने कीमती औकात को ज़ाया करते हैं, जैसा कि टीवी देखने में, मोबाइल इस्तेमाल करने में, और ऐसे ही दोस्तों में, बुरी महफ़लों में हम अपने कीमती औकात ज़ाया करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने कीमती औकात को बचाएं, हम अपने कीमती औकात को अल्लाह की किताब में सरफ करें, अल्लाह की किताब की तलावत करें, इसका तर्जमा पढ़ें और तफसीर पढ़ें ताकि हमें सही दीन की समझ अता हो। आखिर में मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें सही मायनों में अल्लाह पाक अपनी कलाम की तलावत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें इसकी वजह से हमारे रिज़क में बरकत पैदा फरमाए और हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा फरमाए। आमीन। वा आखिर दुआ अनानी।